नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि हरिद्वार से मिल रही है, जहां सीएम धामी हरिद्वार पहुंचे हैं, जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। देहरादून में भी आपदा राहत कार्य की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए, प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। देखिए, उत्तराखंड में बारिश के चलते हालात काफी ज्यादा खराब हैं। पर्वतीय क्षेत्र में भूस्खलन के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कई लोगों की जान भी जा चुकी है। और अब सीएम धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से हरिद्वार में सड़कों पर पानी भर गया, इतना ज्यादा कि तालाबों में तब्दील हो गई हैं सड़कें। और जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों का सीएम धामी निरीक्षण करने पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं, प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ सीएम धामी खुद जलभराव वाली इलाके में पहुंचे हैं। प्रशासन की टीम उनके साथ मौजूद है और इसके साथ ही सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए, जायजा लेने के बाद, निरीक्षण करने के बाद, जो प्रभावित हैं उन्हें जल्द से जल्द सहायता पहुंचाई जाए, राहत पहुंचाई जाए। तो लगातार मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अफसरों को अलर्ट किया जा रहा है, बैठकें ले रहे हैं और इसी के तहत अब सीएम खुद निरीक्षण करने पहुंचे, जलभराव की स्थिति का चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं संवाददाता सोनू की। और सोनू, तस्वीरों में हम देख रहे हैं जहां सीएम धामी खुद जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि जल्द से जल्द जो प्रभावित हैं उन्हें राहत पहुंचाई जाए। तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री लगातार जो भी बारिश से नुकसान हुआ है, जिन जगहों पर पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन हो रहा है और जिन क्षेत्रों में जलभराव हो रहा है, उन सभी क्षेत्रों का अपडेट अधिकारियों से ले रहे हैं। समय समय पर जो है मुख्यमंत्री वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं, पल पल का अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं और मौके का अब मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाल लिया है। हरिद्वार में चूंकि तेज बहाव में गंगा नदी का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान के पास पहुंच गया, ऐसे में जो नदी किनारे लोग बसे हुए हैं उनको दूसरे स्थानों पर शिफ्ट करने के पहले ही मुख्यमंत्री जिलाधिकारी को दिशा निर्देश दे चुके हैं। अब ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री जायजा लेने के लिए, हालात को जानने के लिए पहुंच गए हैं और इस वक्त हरिद्वार का जो लखसर वाला इलाका है, जहां पर मुख्यमंत्री निरीक्षण कर रहे हैं, स्थिति को देख रहे हैं। और मुख्यमंत्री ये सुनिश्चित कर चुके हैं, अधिकारियों को पहले ही कह चुके हैं कि कहीं पर भी किसी भी स्थिति में लोगों को परेशानी ना हो, खाद्यान्न सामग्री है उसको पहुंचाया जाए और खास तौर से जल जनित जो बीमारियां हैं वो ना बढ़ सके, इसके साथ साथ जहां पर राशन की जरूरत है वो पहुंचाया जाए, जहां पर विद्युत आपूर्ति ठप हो रही है उसको बहाल किया जाए, उसको दुरुस्त किया जाए और पेयजल की जो लाइनें क्षतिग्रस्त हो रही हैं उनको ठीक किया जाए और जो मोटर मार्ग बंद है उनको जेसीबी के माध्यम से ठीक किया जाए। लगातार मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर जाकर के स्थिति का जायजा ले रहे हैं। अधिकारियों का पूरा अमला मुख्यमंत्री के साथ है और जो जिला स्तर के जो अधिकारी हैं वो लगातार खास तौर पर नजर बनाए हुए हैं। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से मुस्तैद, अलर्ट नजर आ रही है। बिल्कुल सोनू, लगातार हम देख रहे हैं प्रशासन की ओर से जो राहत है वो देने की प्रयास किया जा रहा है प्रभावित को, लेकिन सवाल ये उठता है, हर बार हम देखते हैं सीएम धामी का एक सरल अंदाज हमें देखने को मिलता है और इसी के तहत अब भी हम तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से सीएम खुद पहुंच चुके हैं जलभराव प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए। और जिस तरह से आप ये जानकारी दे रहे हैं कि प्रशासन की ओर से हर संभव मदद जो है प्रभावितों को पहुंचाई जा रही है, चाहे खाने पीने से लेकर हो या अलग कोई सुविधाएं हो, ऐसे में क्या सीएम ने उन प्रभावितों से भी जाकर जानने का प्रयास किया है, बातचीत करने का प्रयास किया है? देखिए, अभी मुख्यमंत्री सचिवालय में थे और सचिवालय के बाद हरिद्वार के लिए रवाना हुआ। हरिद्वार पहुंचते ही मुख्यमंत्री ने
जो है वो स्थिति का जायजा लेना शुरू किया। अभी अभी चूंकि अभी अभी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री पहले नदी किनारे की क्या स्थिति है, जो नदी का जल का बहाव है वो खतरे के निशान के करीब बह रहा है, उसकी क्या स्थिति, इसका जायजा लेने के बाद जो प्रभावित परिवार हैं उनसे मुख्यमंत्री मिलने वाले हैं। और मुख्यमंत्री पहले से ही ये सुनिश्चित करने के लिए कह चुके हैं अधिकारियों को कि किसी भी स्थिति में प्रभावितों को ज्यादा परेशानी ना हो, इसके लिए जो आवश्यक कदम उठाए जाने हैं उनको उठा लिया जाए पहले से ही, क्योंकि सरकार के मुख्य श्रम कमान संभाले हुए हैं। इसलिए देखिए, आपदाओं पर सरकार का बस नहीं है, लेकिन आपदाओं के बाद तात्कालिक तौर पर कम से कम समय में कैसे रिस्पॉन्स किया जा सकता है, कैसे राहत पहुंचाई जा सकती है, कैसे प्रभावितों के साथ सरकार खड़ी हो सकती है, इस पर निश्चित तौर पर पूरा सरकारी तंत्र, सरकार के मुखिया जो है वो फोकस कर रहे हैं। कई बार मुख्यमंत्री कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण कर चुके हैं, लगातार जब कंट्रोल रूम में मुख्यमंत्री पहुंचे तो जो प्रभावित लोग हैं उनसे फोन पर मुख्यमंत्री ने बात भी की है, जो इस वक्त हरिद्वार में है, और हरिद्वार के जो प्रभावित लोग हैं अब इनसे भी मुख्यमंत्री आने वाले समय में मुलाकात करने वाले। जिस तरह से हमने हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें देखी, हिमाचल प्रदेश में भी कई यात्री वहां पर फंसे हुए हैं जो पर्यटक वहां पर घूमने गए थे, और हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में देश और दुनिया से सावन के महीने में कांवड़ियां पहुंचते हैं, कांवड़ियों को लेकर क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए, क्योंकि बड़ी संख्या में कांवड़िये जो हैं वो हरिद्वार का रुख करते हैं, ऋषिकेश का रुख करते हैं, गंगोत्री धाम का रुख करते हैं, यमुनोत्री धाम पहुंचते हैं। ऐसे में चूंकि पर्वतीय क्षेत्रों में कई मोटर मार्ग बंद है, तो उन स्थानों पर जो अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र है, गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय मार्ग जो है वहां पर कांवड़िया वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन हरिद्वार और ऋषिकेश और देवप्रयाग की अगर हम बात करें तो यहां पर जो भी कांवड़िए आ रहे हैं इनकी सुरक्षा सरकार की प्राथमिकताओं में शुमार है। जो भी कांवड़िए आ रहे हैं, शिवभक्त आ रहे हैं, इनको कैसे सुरक्षित कांवड़ भरवाई जाए, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और चूंकि बड़ी संख्या में जो है वो कांवड़िए आ रहे हैं, इनका हर तरह से ख्याल रखा जाए, सरकार इस पर फोकस कर रही है। चलिए, बने रहिए सोनू हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे। तो बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंच चुके हैं, जहां जाकर वो जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। देहरादून में आपदा राहत कार्यों की भी समीक्षा की, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं प्रभावितों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए। चलिए आपको सुनवाते हैं, इस दौरान सीएम धामी ने क्या कुछ कहा। और 8-10 फुट पानी आने से जनजीवन पूरी तरह से वहाँ पर रखा हुआ है। वहाँ लोगों को संतान अभी हरिद्वार में काफ़ी ज़्यादा जल भराव हो गया है, और 8-10 फुट पानी आने से जनजीवन पूरी तरह से वहाँ पर रखा हुआ है। वहाँ लोगों को इस समय में कैसे मदद पहुँचाई जाए, कैसे सहायता करी जाए, प्रभावित लोगों को कम से कम जो जरूरत की चीज़ें हैं उनकी किसी प्रकार की दिक्कत ना, सभी विभागों ने लोगों के साथ यहाँ पर बैठक की है। सभी विभाग अपने अपने स्तर से अलर्ट मोड में रहते हुए वहाँ पर काम करेंगे, सभी को सहायता करने का काम।